अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इसका रिव्यू समझ आ सके। आज मैं आप लोगों को ये जो बी क्यूट के टेराकोटा जो हैं ये ब्लशेज़ हैं इनका रिव्यू दूंगी। ये मैंने अपनी कलेक्शन में से 3 जो हैं वो ब्लशेज़ निकाले हैं ताकि मैं आप लोगों को इनका रिव्यू दे सकूँ, आप लोग इस प्रोडक्ट को समझ सकें कि ये प्रोडक्ट वर्थ बाइंग है या नहीं है। और जो है ये जो है वो शाइनी है, आप लोग यूज़ करके ये फेस पे कैसा लगता है मैं आज आप लोगों को ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। ये सब जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। इस मतलब ये जो अभी मैं आपको अपना रिव्यू नहीं दे रही, अभी मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, मैं आप लोगों को अपना रिव्यू आगे दूंगी। सबसे पहले जो है ना ये बहुत ही, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बहुत ही जो है ना वो फैब्यूलस जो है ना, इसकी जो बहुत शाइनी है ना वो बहुत फैब्यूलस है। मतलब इसका कलर बहुत फैबुलस है और जो है ना ये आपके फेस पे नेचुरल शिमर कलर देता है, बिल्कुल जो है ना नेचुरल से एक शिमरी सा आता है। और जो आप लोगों के चीक्स है ना वो बहुत रोजी से लगते हैं। अगर मैं आप लोगों को इसका नंबर बताऊं तो इसका नंबर है 05। अच्छा ये जो है ना ये आप लोग अपने एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हो, एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत सारे शेड्स हैं लेकिन मेरे पास ये 3 हैं, मैंने ये 3 परचेज़ किए थे और ये मैंने ख़ुद परचेज़ किए थे। ईज़िली अवेलेबल हैं लोकल मार्केट से या कोई सुपर स्टोर से या किसी भी आप जगह से ले सकते हैं, ये बहुत इजीली मिल जाते हैं। मैंने ये ख़ुद 3 परचेज़ किए थे कि मैं इनको देखूं, अपने जो फॉलोवर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं उनको मैं इसका रिव्यू दूं कि मैं उनको बताऊं कि उनको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो ये तो आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा कि आप लोगों को जो हैं ये वाले ख़रीदने चाहिए या नहीं। तो जी चलते हैं अपनी वीडियो को आगे लेके। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को देती हूँ, मैं अपना रिव्यू देती हूँ कि ये मेरे व्यू के हिसाब से ये कैसे हैं। अच्छा, जो मेरे व्यू के हिसाब से अगर एज अ ब्लश बात की जाए तो ये बहुत ही वेलवेटी और स्मूथ है, ठीक है जी। और ये जो है ना इसके अंदर जो है ना वो शिमरी पार्टिकल्स हैं। अगर मैं आप लोगों को इसका एक स्वैच दिखाऊँ कि ये शायद आप लोगों के अंदर आ रहा हो क्लियर, कि ये देखें ये कितना शिमरी पार्टिकल है इसके अंदर, ठीक है जी। अगर और आपको जो है ना बहुत ही लिटिल बिट इसको अप्लाई करना है ऑन द एप्पल ऑफ योर चीक्स, ठीक है जी। अगर आपने ज़्यादा कर लिया इसको अप्लाई तो आप जो है वो एक ग्लिटर की बॉल लगना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही जो है ना इसके अंदर एक ब्यूटीफुल, लगाने के बाद एक ब्यूटीफुल सा ग्लो आता है आप लोगों के फेस पे। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों को इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, और अगर और आप इसको एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड है और ये बहुत शिमरी है। और मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं इसके जो शेड नंबर 04 है ना वो मेरा फेवरेट है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इन तीनों में से शेड नंबर 4 कौन सा है। और ओवरऑल ना जो ये फैंटास्टिक जो है ना वो हाइलाइटर हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे मेकअप्स में किस तरह हाइलाइटर यूज़ होते हैं, तो ये ऐसा है, ये आप लोग समझ लें कि ये 3-in-1 है, ये बेस्ट है, ये रिकमेंडेड है आप लोगों को। बहुत ही प्रिटी सा ये लुक देते हैं और इसके बहुत सारे जो है ना वो शेड्स हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में इन लोगों को जो है ना वो कुछ जो है ना वो थोड़ा वाइट की टोन में, थोड़ा बेज की टोन में और थोड़ा डल जो गोल्ड का शेड होता है ना उसमें भी निकालने चाहिए। तो जी अब मैं आप लोगों को एक एक का कलर भी दिखा देती हूँ, उसकी पिक्चर भी दिखा दूँगी और जो है उसका स्वेच भी दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो फिर चलते हैं अपने पहले शेड की तरफ। ये है हमारा 08, आप लोग देख सकते हैं इसमें हाइलाइटर की तरह वाइट आ रहा है, गोल्डनिश येलो आ रहा है
और पिंक आ रहा है। ये है लाइट पिंक। ये मेरा कैमरा यहाँ ब्लर हो गया है, मैं थोड़ा सा इसको सेट करती हूँ, फिर आप लोगों को क्लियर दिखाती हूँ कि इसमें हमारे कौन कौन से कलर्स आ रहे हैं। अच्छा जी, जो इसमें अगर आप लोगों को इसको एज अ हाइलाइटर यूज़ करना है ना, तो आपको इसमें से जो वाइट वाला एरिया है ना, उसको ज़्यादा उस पर ब्रश लगाना होगा, ताकि वो एज अ हाइलाइटर आपको वाइट दे। हाइलाइटर हम वहाँ लगाते हैं जो हमें अपने फेस के पार्ट्स को जो है वो प्रोमिनेंट करना होता है। अच्छा जी, सबसे पहले आप इसका नंबर देख लें। अच्छा, इनके कोई स्पेसिफिक नेम्स नहीं हैं, सिंपल सा बी क्यू टेराकोटा ब्लश एंड आई शेड, और नंबर है इसका 08। इस तरह इसके सारे जो हैं वो सिर्फ नंबर्स पे ही हैं, इनके कोई स्पेसिफिक नेम वगैरह जो है वो नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको प्रोमिनेंट भी कर रही हूँ कि 08। अच्छा जी, जो तो जो ये वाले ना, अगर मैं आप लोगों को भी स्वेयर्स दिखाऊंगी ना, आप लोग खुद समझेंगे कि ये जो है ना सिर्फ ब्लश के लिए ही बना है, ब्लश और हाइलाइटर। इसको हम आई शेड्स के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते मेरे व्यू के हिसाब से। हाँ, बच्चियों को लगाना हो तो वो हम लगा सकते हैं ईजीली, हल्का सा लगा दिया थोड़ी शाइन आ जाएगी, पर बड़ों के हिसाब से ये एज अ आई शेडो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें से सिर्फ शाइन शाइन आएगी, अगर आप ज़्यादा रगड़ के लगाएंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही ओवर लगेगा। अभी आप लोग इसका जो है ना, वो मैं आप लोगों को इसका स्वेच करके दिखाती हूँ, तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा कि ये देखें मैं इसको कितना मतलब वो कर रही हूँ, रगड़ रही हूँ, और मैं वाइट पार्ट को ज़्यादा ले रही हूँ। तो अभी जब मैं इसको लगा के दिखाऊंगी ना, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा कि ये एज अ हाइलाइटर बेस्ट है और एज अ ब्लश बेस्ट है। और ब्लश भी उनके लिए जिनको ग्लिटर वाला ब्लश अच्छा लगता है, मुझे तो मैट वाला जो है ना वो ब्लश अच्छा लगता है। अभी मैं आप लोगों को लगाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको अप्लाई किया है, कितना मैं रगड़ के कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल वाइट वाइट सा ही मुझे जो है ना वो लुक दे रहा है। मैं इसको दोबारा भी करती हूँ, फिर आपको अपनी फिंगर भी दिखाती हूँ कि फिंगर पे ज़्यादा लगाने के बाद ये पिंक देगा, और हल्का हल्का वाइट एरिया को लेने के बाद जो है ना ये आपको एज अ हाइलाइटर देगा। ये बेस्ट है एज अ हाइलाइटर, और ये बेस्ट है फॉर गर्ल्स, जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए ये बेस्ट है। बस इसको आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि ये बहुत पिंकिश चला जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये आप लोग मेरी फिंगर देख लें, कितना मैंने इसको रगड़ा है फिंगर पे, तो ये कितना फिंगर पे पिंक दे रहा है, और जो मैंने अपनी कलाई पे लगाया है वहाँ पे ये इतना पिंक नहीं दे रहा, वहाँ पे ये सिर्फ एज अ जो है हाइलाइटर प्यारा प्यारा सा हल्की सी सिर्फ जो है ना वो शाइन दे रहा है। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग मेरा ये अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इसको अच्छी तरह आप लोग देख लें लेने से पहले अब कि ये कैसा जो है वो ओवरऑल जो है वो लुक दे रहा है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये बड़ों के लिए बिल्कुल नहीं है। बाकी ये है, ये 3-in-1 है, बैग में आप डाल लो तो आपका ब्लश, हाइलाइटर और जो है वो आई शेड का काम तमाम, आपको रखने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग ये चीज़ें। चलिए जी, दूसरे की तरफ चलते हैं। ये है 04, ये मेरा फेवरेट है। मैं आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि पर्पल इज़ माई फेवरेट कलर। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें पर्पल आ रहा है, वाइट आ रहा है, ये आप लोग देख लें। इसका भी कोई नेम नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया है इसकी रेंज में कोई नेम नहीं है, सिर्फ इनको नंबर से अलग किया गया है। तो इसका नंबर 04 है, और ये मेरा फेवरेट है, ये रिकमेंड है, ये आप लोग रखेंगे तो इसमें पिंक आ रहा है एज अ हाइलाइटर का, वाइट आ रहा है, पर्पल आ रहा है, ये तीनों चीज़ों के लिए बेस्ट है। अब आप लोग इसका स्वेच देखें तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। देखें कितना प्यारा पर्पलिश सा शेड दिया है। अगर मैं इसको और लाइट लेती तो ये और लाइट जो है वो लगता। अभी भी ये कोई इतना डार्क तो लगा नहीं है, हालांकि आप लोगों के सामने मैंने इसको रगड़ा है, देखें फिंगर पे किस तरह का ये शो हो रहा है और ये कलाई पे किस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, ये इतना एज अ हाइलाइटर नहीं है, लेकिन आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप 3-in-1 है ना, आप अपने बैग में इतना कुछ ना डालो, फिर आपने ये वाला डाल लेना है, आपका काम हो गया इजीली। अच्छा, अगर मैं इसकी पैकिंग पर बात करूँ ना, इसकी बहुत अच्छी पैकिंग है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। ये है 05, और ये हमारा लास्ट है। इसमें जो है वो वाइट और डार्क पिंक और येलोइश आ रहा है। अच्छा, वाइट का टच तो जो है ना वो सब में है, क्योंकि ये एज अ हाइलाइटर भी है ना, तो हाइलाइटर तो हमारा वाइट में ही होता है। अगर मिक्स करके हम लगाएंगे
तो वो अलग बात है कि जो है वो थोड़ा सा हमें पिंक भी दे देगा शेड में, लेकिन अगर हम ज़्यादा वाइट पे इसको रगड़ेंगे ना, अपने ब्रश को पिक करेंगे ना वाइट कलर में, तो हाइलाइटर ये बेस्ट है हमारा। अच्छा, ये वाला कलर और इससे पहले वाला कलर बेस्ट है। उससे जो पहले वाला आया था ना 08, वो बस बच्चियों के हिसाब से सही है। ये वाला और जो इससे पहले था 04, ये 05 है, आप लोग नोट कर लें। ये वाला बेस्ट है, आप लोग अपने बैग्स में रखें, कहीं भी जाना हो, जल्दी से तैयार होना हो, आपको 3-in-1 एक ही में मिल जाएगा। अब आप लोग इसका इस पर वाइट ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस पे वाइट ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसलिए मैं आप लोग को कह रही हूँ कि अगर हाइलाइटर यूज़ करने वाले लोग हैं तो वो इस वाले को पिक करें, और अगर जिनको पर्पल की रेंज में पसंद है मिक्सअप पर्पल के साथ कोई भी कलर मिक्सअप, तो वो इससे प्रीवियस वाला पिक करें जो है 04। अब जो है ना बाकी क्वालिटी सबकी पैकेजिंग मैं बता रही हूँ सबकी एक ही जैसी है, बहुत अच्छे जो है ना वो ये एक बॉक्स में है। इवन के ये मुझसे गिर भी चुका है एक दफ़ा, लेकिन जो है इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, ना ये टूटा है ना कुछ हुआ है। अब आप लोग इसका नंबर देख लें, मैं आप लोगों को इसका नंबर भी दिखा देती हूँ। इसका नंबर है देखिए BQ Terracotta ब्लश एंड आई शेडो 05। ये 05 है हमारा, ये रिकमेंडेड है, लेकिन जो इससे पहले वाला था ना 04, वो बिल्कुल भी ही रिकमेंडेड नहीं है बड़ी लेडीज़ के लिए, वो सिर्फ छोटी लेडीज़ के लिए रिकमेंडेड है। बाकी ये है जब आप लोग लेने जाएंगे, इनकी बहुत ह्यूज रेंज है, बहुत डिफरेंट कलर्स हैं, आप लोग अपने स्किन टाइप के हिसाब से, अपने स्किन के हिसाब से जो है वो पिक करिएगा। मैंने ये 3 पिक किए थे, एक लाइट में, एक डार्क में और एक पीच में, क्योंकि अक्सर हम पीच भी मेकअप का लुक लाते हैं तो उसमें भी हमें चाहिए होता है पीच की रेंज। मैंने उस हिसाब से इसको पिक किया था, आप लोग अपने हिसाब से पिक करिएगा जो जिस रेंज में आपको चाहिए हो। इनकी बहुत इस वाले प्रोडक्ट में, मीन्स के ये टेराकोटा वाले में, इनकी बहुत जो है ना वो ह्यूज रेंज है, कोई कम नहीं है। जब आप लोग जाएंगे ना इंशाल्लाह, जब आप लोग मांगेंगे तो आप लोगों को ह्यूज ही मिलेगी। तो बस यही है कि आप लोग अपने हिसाब से पिक करिएगा। मैं तो ये लाई थी, मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू भी दिया, उम्मीद है मेरा अच्छा लगा होगा। अब मैं आप लोगों को इसका स्वैच भी करके दिखा रही हूँ। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इसको किस तरीके से जो है ना वो अपनी फिंगर से रब कर रही हूँ, तो आप लोग देख लें कि ये मेरी फिंगर पर गोल्डनिश भी आ रहा है, पर्पलिश सा भी आ रहा है और वाइट भी आ रहा है, तीनों मिक्स करके ही आ रहे हैं। तो आप लोगों को भी अगर आप लोग मिक्सअप करके लगाएंगे ना, तो ये जो है बहुत अच्छा ही शेड बन के आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को वाइट को पिक करेंगे जी, तो फिर आप इसका स्वैच देख लें, ताकि आप लोगों को जो मैंने इतना सब कुछ बताया है खुद ही अंदाज़ा हो जाए सब चीज़ों का। तो जी, ये आप लोग मैं स्वैच कर रही हूँ अपने हाथ पे। तो जी, ये देखें कितना लाइट लाइट सा दे रहा है, आप लोग खुद आप इस चीज़ से खुद आप लोग अब अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने जो है वो अच्छे हैं और कितने नहीं, क्या ये वर्थ बाइंग हैं या नहीं। बाकी मेरे हिसाब से तो ये दो शेड्स जो लास्ट के थे वो वर्थ बाइंग हैं, जो सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था मैंने, तो जो है वो इतना नहीं है बड़ी लेडीज़ के लिए, मतलब वो बच्चियों के हिसाब से है, सिर्फ आईज पे लगा दिया इस तरीके से। बाकी आप लोगों के सामने है सारा रिज़ल्ट 1-2-all, मैंने सब आप लोगों को करके दिखाया है, तो देख लें आप लोग सारे फ़र्क वगैरह, तीनों शेड्स में फ़र्क है। अब आप लोग इसको देख लें एक दफ़ा और करीब से, इसमें कितने शेड्स आ रहे हैं, माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी रेंज है। बाकी जो है इनके और प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इनके जो है वो अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर इसकी बात की जाए ना तो इसकी पैकेजिंग तो बेस्ट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ये मुझसे गिर भी चुका है लेकिन इस पर कोई क्रैक नहीं है, ना पैकिंग पे कोई जो इसकी बॉक्स है उस पर कोई क्रैक है, ना अंदर जो इसका जो वो है ब्लश ऑन है जो अंदर इसका पूरा पैक है उस पर भी कोई क्रैक नहीं है दूर दूर तक। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने में, आप लोग देख लें ऊपर से भी कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में, इसी तरह ये अंदर से भी खूबसूरत है। अच्छा, इनके जो है वो टेस्टर भी आते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, तो मैंने अब आप लोगों को इनके रिव्यू भी बता दिए, इनके स्वेचेस भी करके दिखा दिए। अभी आप ये तीनों मेरे देख सकते हैं, मैंने इनको डबल डबल किया, मैंने आपको बताया था ये बहुत शिमरी पिगमेंटेड है,
अगर आप इनको दबा दबा के लगाएंगे, मतलब रगड़ रगड़ के जो लगाते हैं, तो आप लोग ये देख लें ये कितना डार्क दे रहा है। एक ये पीची पीची दे रहा है, ये पर्पल है और ये पिंक है के शेड में है, ये कितना डार्क है। तो आप लोग ग्लिटर की बॉल लगेंगे अगर आप लोगों ने जो है इसको ज़्यादा रगड़ रगड़ के लगाया। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि इनको रगड़ रगड़ के लगाया जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इनको बिल्कुल हल्के हल्के जो है ऐसे हल्के हाथ से जो है वो अपने ब्रशेस से आपको अप्लाई करना है। तो ये बहुत अच्छे एज अ हाइलाइटर, एज अ आई शेडो और एज अ ब्लश 3-in-1 है। आप लोगों को एक जो है वो पैकेट में मिल जाता है। इसके बहुत ह्यूज रेंज है, अब आपकी मर्ज़ी आप इसको कौन सा पिक करते हो अपने लिए। मेरे पास ये 3 थे, मैं इनको पिक करके लाई थी ताकि मैं अपना रिव्यू आप लोगों को इन पे दे सकूं। इनको यूज़ करने के बाद मैंने इनको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है, फिर मैं इस पे जो है आप लोगों को अपना रिव्यू दे रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरी प्रीवियस वीडियो पे। उम्मीद है आप लोग मुझे मेरी इस वीडियो पे भी सपोर्ट देंगे, इसको व्यू करेंगे, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो मेरी किस चीज़ पे देखना चाहते हैं। कोई DIY, कोई रिसाइकलिंग, कोई मेरी कलेक्शन, किस चीज़ पे आप लोग देखना चाहते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर जो है वो चीज़ करके दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। और इसी प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने अपने इंस्टाग्राम के पेज पे भी दिया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा, वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिए। क्योंकि मैं इस यूट्यूब के साथ साथ इंस्टा भी चलाती हूँ, मतलब इंस्टा पे भी अपने रिव्यूज़ शेयर करती रहती हूँ। सो प्लीज़ मुझे यहाँ भी सपोर्ट करें आप लोग, मुझे वहाँ भी सपोर्ट करें और इस वीडियो पे भी अपना मुझे सपोर्ट दिखाइएगा आप लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे घर वालों को मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।